में अगर हम बात करें, शो काफी लेजेंड शो है, हर कोई बच्चा बच्चा ये शो देखता है, तो इस कैरेक्टर के बारे में जो आपका है उसके बारे में अगर आप कुछ एलैबोरेट करें, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें आप। डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि ये शो जब हमने शुरू किया था, उससे पहले आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन में जो यू नो सास बहू या अलग अलग तरह के शोज़। सो कहीं ना कहीं बीपी सर जो हमारे प्रोड्यूसर रहे हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार ये शो करोगे, एंड बिकॉज मैंने स्पेशल ब्यूरो भी किया था उससे पहले सोनी के लिए, तो मुझे मालूम था कि अच्छा शो है, पीपल वॉच इट ऑल्सो। तो मैं एक शो जो कर रहा था उस समय, दैट वॉज दो सहेलियाँ, एंड वो छोड़ के मैं आया, और ऑब्वियसली दैट शो समहाउ आई मीन इट वाज शट, बट दिस शो व्हेन आई स्टार्टेड, बीबी सर सेड दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बी लार्जर देन लाइफ एंड आई प्रॉमिस यू दैट, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। जब आप बाहर जाते होंगे तो इस कैरेक्टर को लेके कोई आपके फैंस मिले होंगे, तो किस तरह का रिएक्शन मिला होगा आपको? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये एक चीज़ बहुत बड़ी रही है सीआईडी की, कि हर जगह लोग यू नो इस कैरेक्टर को अप्रिशिएट कर, सारे कैरेक्टर्स ऑब्वियसली, बट मेरा भी कैरेक्टर उस वैसा ही है। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बड़ी फ़नी सी हैं, कि मैंने पहले भी जिक्र किया है इस बात का, कि मेरी बिल्डिंग में भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, कोई लेडी वेरी सोफिस्टिकेटेड वेल एजुकेटेड, ऐसा भी नहीं कि उनको गांव से आए उनको पता नहीं है कि ये रियल है या यू नो रियल है, तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि प्लीज़ आप कुछ कीजिए मेरे बेटे के लिए। वो रोज़ आती थी घर पर, और उसके बाद मैं अगर शूट पर रहता था तो वॉचमैन से मैसेज छोड़ती थी। देन दे सेड कि आप मेरे बेटे की प्लीज़ कुछ कीजिए, ही इज़ गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो आप, मैंने बोला आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए। बोले नहीं पुलिस कुछ नहीं, आप ही कर पाएंगे जो कर पाएंगे। तो दे यूज़ टू कम, सो मेनी पीपल कमिंग टू आस बाय सेइंग दैट कि यार मेरे बेटे को सुधार दो, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, यू नो। सो दिस इज़ बीन देयर द केस। ओके, इस तरह का जब आप कैरेक्टर निभाते हो तो सर क्या फीलिंग आती थी उस समय कि हाँ मैं सर कैरेक्टर करना, कुछ अलग कैरेक्टर करना, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है काफी दिमाग वाला कैरेक्टर होता है, इन्वेस्टिगेशन, हर कोई जानना चाहता है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन किया जाता। तो जब आपने ये किया तो किस तरह के आप ट्रेनिंग लेते थे, कुछ अगर आप बता सकें? नहीं, ट्रेनिंग की तो देखिए क्या है कि हमारे सारे उस्ताद बैठे हुए थे, हमारे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए थे, राइटर्स बैठे हुए थे, सारा दिमाग उनका लगता है डेफिनेटली। एज एन एक्टर हम लोग फॉलो करते हैं जो हमें दिया जाता है, तो वी बीन फॉलोइंग दैट। उससे पहले भी सेम काइंड ऑफ अ शोज आई डन, साक्षी या फिर सोनी पिया कुछ और शोज, तो वी बीन फॉलोइंग दैट। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी रही है कि कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पुलिस वाले हैं, जो भी हमारे लोग हैं, वो हमेशा ये समझते थे कि हम भी पुलिस वाले हैं, साथ वाले हैं। तो कहीं पे भी हम जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी ट्रैवल किया मैंने, मुझे याद है कि जहाँ पे भी हम रुके हैं, गाड़ियाँ रुकी हैं, उन्होंने देखा, अरे इंस्पेक्टर सचिन आए हैं, जाने दो उनको। सो ये आज भी होता है कि मेरे साथ में जो मेरी कलीग्स हैं शूटिंग पे, कई बार ऐसा है कि कहीं पे बंद हो गया है, यहाँ से रास्ता रोक दिया गया है, मेरी गाड़ी आई और उन्होंने देखा और मेरी गाड़ी को निकलने दिया और मेरी कलीग्स की गाड़ी पीछे रह गई, तो दे आर लाइक दिस इज़ नॉट गुड। सो दे से कि अरे वो तो इंस्पेक्टर सचिन है यार, प्लीज़ जाने दो। So this has been happening and that kind of love we have got. So I really salute ke, you know, आपके amazing. आपके शो में जो co-star थे, वो भी काफी थे, उनका भी मतलब character काफी powerful character था. तो उन लोगों के साथ काम करना कैसा रहा experience, कुछ अगर आप share करो, वो भी legend character. Absolutely. नहीं, absolutely. मैं अपने आप को तो उन characters से compare भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है कि they have become larger than life. कहीं ना कहीं जया है, चाहे अभिजीत हैं, चाहे एसीपी प्रद्युमन है, तो वो एक कल्ट शो हो गया और वो लार्जर देन लाइफ हो गया। बट कहीं ना कहीं मैं आपको, दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये सारे कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ जो लोग हैं, वो बड़े रियल और बड़े सिंपल लोग हैं, कि कहीं भी उनके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में जिन्होंने हमने काम किया, ये स्टारडम या ऐसी कोई चीज़ कभी आई नहीं। हमने हमेशा मान के ये चले हैं कि हमने एक कैरेक्टर किया है। हाँ, यस, सुबह जो आपकी जो कोस्ट था, उनके उनके बारे में अगर आप कुछ बता सके, कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस? कोस्टार्स में डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि जैसे दया है, चाहे अभिजीत जो आदित्य श्रीवास्तव, या फिर एसीपी प्रद्युमन जो कैरेक्टर उन्होंने किया, दे रियली लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, एंड कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में उतना प्यार, उतना यू नो सम्मान मिला। और मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो और लार्जर देन लाइफ एंड पीपल अप्रिशिएट यू सो मच, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक स्टारडम और उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं। बट हमारे साथ में ये सारे काम करने वाले बिल्कुल सिंपल लोग थे, जैसे हम आप हर आदमी सिंपल है कहीं ना कहीं। हम ये ना ये रियलाइज़ होना बड़ा ज़रूरी है कि हम एक कैरेक्टर निभा रहे हैं जो स्क्रीन पर आया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने उसे प्यार दिया, सराहा, दैट्स अबाउट इट।
तो वो हमें इस बात का ये मानना चाहिए एहसान कि भाई हमने ये कैरेक्टर किया है और लोगों ने बहुत चाहा है इसे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है और ये हमारे सारे आर्टिस्ट, इसलिए ये शो इतने सालों चला। दया हो, एसीपी मधुमन सर का जो कैरेक्टर है, तो इन लोगों के साथ काम करना है कि जो भी वो अपने इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, तो क्या किस तरह की बात होती थी आप लोगों की, क्योंकि ये शो को बहुत मिस किया जाता है, लोग रिपीट में रिपीट ऑनलाइन देखते हैं, तो कुछ अगर आप बता सके उनके बारे में। देखिए हम लोग एक्चुअली क्या हुआ कि मैं उससे पहले भी जब काम कर रहा था, जब मैंने कोई अपना पहला शो शुरू किया, तो CID वॉज ऑलरेडी देयर, क्योंकि मैंने शुरू किया कुछ 1920 के आसपास और CID 98 में आ चुका था। कुछ 10 सालों में मैंने बहुत सारे शोज़ किए, उसके बाद मैं आया तो ऑब्वियसली सारे लोग थे यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे थे, एंड एक फैमिली की तरह हमारा बॉन्ड है, हम लोग साथ में बैठ के खाते थे, जबकि नॉर्मली ऐसी पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में शायद कहीं इतना नहीं होता कि हम जो वैनिटी लेते थे वो वैनिटी के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे एक दूसरे के लिए, कोई प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, कभी ऐसा नहीं कि यू नो आई नीड माई प्राइवेसी, आई नीड माई पीस, सो वी वर ऑलवेज टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, स्लीपिंग टुगेदर, नॉट ऑन द सेम बेड, डिफरेंट प्लेसेस, बट यस वी वर ऑलवेज टुगेदर, ईटिंग, गोइंग आउट, और हम थैंक फंक्शंस में भी जाते थे, साथ में जाते थे, ट्रिप किए हैं साथ में, और आज इतने सालों के बाद भी शो ऑफर जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारी मुलाकातें होती है। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही हम लोग सब मिले, सर के घर पे हम लोग मिले, तो सारे के सारे मिले, खाना खाया, घूमे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इतनी प्यार मोहब्बत आप भी वैसे की वैसी बरकरार है। मैं तो सोशल मीडिया का भी सामान नहीं था जी, तो लोग तो टेलीविजन में ही हम आपके शो देखते थे, तो जो समय होता था कि 9 बजे का ये टाइम है, तो उस समय और उस समय की थोड़ा अगर आप बता सके कि किस तरह क्रेज लोगों में होता था, तो काफी क्रेज होता था, क्योंकि ना ही उसे भूत सोनी एक्सप्रेस देखा जाए, ना ही कहाँ देखा जाए, आजकल तो आप देख सकते कि हम यूट्यूब में देख पाएंगे, इंस्टाग्राम में किसी को शो के आ जाते, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं होता होगा, जो शो टेलीकास्ट होता है उसी समय देखा जाता है, या तो उसका रिपीट हो, तो वो जो फैंस का रहता है, जैसे हम मैं जानता हूँ जैसे रामायण के लिए देखा जाता था, तो उसी तरह की ऑडियंस हाँ इसी समय हमें देखना है, वो कुछ अगर आप बता सके तो। हाँ मतलब ये हमें भी देखने को मिलता था कि बहुत सारे फैंस अगर हमसे कहीं बाहर मिले भी हैं तो उनका ये रिएक्शन रहता था कि सर सर मुझे जल्दी जाना है, कहाँ जाना है, बोले नहीं नहीं CID छूट ना जाए, वो फिर बाद में कब रिपीट होगा, उस समय शायद रिपीट जो था वो भी मेरे ख्याल से टाइमिंग कुछ आई डोंट रिमेम्बर, तो ऐसा कुछ होता था कि जिसको टाइमिंग नहीं मालूम है तो वो भागते थे कि नहीं हमें देखना ही देखना है, और एक एपिसोड मिस नहीं होता था, दे यूज़ टू कम बैक टू यू कि सर ये पर्टिकुलर एपिसोड में ये हुआ, आपने ये पहना था, इतनी बारीकी से देखने वाले लोग मिले, और जैसा कि आपने कहा कि फ़ैन फॉलोइंग जो मैंने बहुत कम शोज़ में देखा है, क्योंकि बाहर और भी शोज़ मैंने किए हैं, क्योंकि मैं कई जगह अलग अलग लीड में शोज़ किए मैंने, तो जो फ़ैन फॉलोइंग जो क्रेज़ इस CID का रहा है वो मैंने और कहीं नहीं देखा है। वी हैव बीन मॉब्ड मैनी टाइम्स, कई कई शहरों में तो ऐसा होता था कि बैक पाइपर की टीम जैसे ना मतलब हज़ारों 20-20, 15-15 हज़ार का क्राउड आपके पीछे चल रहा है देखने के लिए, क्योंकि हम हर शहर में शूट करते थे। अब वो हाल मुंबई जैसे शहरों में भी आया है, जहाँ हम कहीं गए हैं तो यू नो पब्लिक उस तरह से उमड़ पड़ी है, सो इट्स बीन ऑलवेज द केस। टेलीविजन को आप कैसे, आप बड़ी फिल्में आप कर रहे हैं, बड़ा पर्दा तो है, लेकिन टेलीविजन की जो ऑडियंस होती है घर घर तक पहुंचना, तो ये ऑडियंस और फिल्म ऑडियंस इस पर आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए पहले शायद ये केस था कि लोग टेलीविज़न को इस तरह से देखते थे कि यार ये टेलीविज़न है, हम तो फिल्में कर रहे हैं या यू नो, बट कहीं ना कहीं फिल्मी सारे लोग अब टेलीविज़न पे उतर आए हैं, आप देखते ही हैं कि आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीविज़न पे आ रहे हैं, आप किसी भी, अब जब बच्चन साहब आए या फिर उसके बाद तो मतलब यू नो लाइन लग गई कि सारे लोग हैं, और जैसे बच्चन साहब की लाइन शुरू होती है तो उसके बाद सारी यहाँ अभी ख़त्म होने का नाम नहीं है, तो हर आदमी कर रहा है टेलीविज़न, तो कहीं ना कहीं टेलीविज़न एंड फिल्म्स में वो अभी जो गैप था वो नहीं रहा है, एंड ऑडियंस भी वैसी रही है कि एनी थिंग यू गिव गुड दे आर ऑलवेज देयर टू अप्रिशिएट। CID कब फिर से आ सकता है? CID क्या है, कोई प्लान है? तभी आप मेकर से आप बात किए हो आपने कि ये शो फिर से आना चाहिए, या चैनल की तरफ से कभी हुआ है प्रोडक्शन को फिर से आए? देखिए अभी कब आएगा क्या आएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली बातें होती रहती हैं और कहीं ना कहीं से सुझाव आते हैं, कहीं ना कहीं चैनल की तरफ से भी अलग अलग जगहों से बातें आती हैं, और जो हमारी ऑडियंस है ऑल ओवर इंडिया वो तो डेफिनेटली चाहती है कि ये आए शो, क्योंकि लंबे समय से ये डिमांड भी हो रही है, चारों तरफ वो लोग डालते रहते हैं कि आप प्लीज़ वापस आइए,
सो बातें हो रही हैं, देखते हैं अगर आए तो अच्छा ही है, नो इश्यूज ऑन दैट। ओके, आखिर में सर अगर हम बात करें लता जी की, लता जी ने भी काफी पसंद किया, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें लता जी के बारे में। डेफिनेटली शुरुआत में एक बार बहुत पहले की बात है जब हम लोग जब सीआईडी की तो बहुत बड़ी फ़ैन थी, जैसा कि पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया जानती है, लता जी ने कई बार ऐसा कहा है कि मेरा बहुत पसंदीदा शो था, या आशा जी का भी तो सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये हमारी मुलाकात हुई तो मुझे एक बार जो उनके महेश हैं जो मैनेजर उनका मैसेज आया जैसे मोबाइल पर, मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, और उसमें जब उन्होंने लिखा कि लता जी बात करना चाह रही हैं तो मुझे मजाक लगा, तो मैंने एक बार जब ट्राई किया दोबारा तो मुझे लगा कि नहीं ये तो कोई फेक है, यू नो लता जी आपसे मतलब आप कौन और लता जी कहाँ। फिर जब मैंने लता जी जब बात करवाई और लता जी की आवाज़ सुनी तो फिर मुझे लगा कि इतना बड़ा प्रैंक तो नहीं हो सकता मेरे साथ कि वैसी आवाज़ एकदम। जब बात की उसके बाद तो सिलसिला शुरू हुआ, हम घर गए और हमने साथ में डिनर किया, उन्होंने हमारे लिए कई बार हमारे सम्मान में पार्टियाँ दी और घर पर बुलाया तो पूरी फैमिली, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक पर्सनल रिश्ता जुड़ गया 15 सालों से रात और दिन का, कि हर हफ्ते मिलना या मतलब महीने में मिलना, फैमिली के साथ मिलना, तो ये सिलसिला चलता रहा और उनकी तरफ से बहुत प्यार मिला और यू नो शी इज ऑलवेज बीन देयर। क्या खूबियां उन्हें ज्यादा पसंद आती थी सीआईडी की, उन्होंने कुछ शेयर किए होंगे आपके साथ? जी मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कितनी बार ऐसा होता था कि लता जी अपने मोबाइल से टीवी पे जो आप आ रहे हो तो वो फोटोज खींच के भेज दिया करती थी, और मेरे पास अभी जो फोटोज़ पड़ी हैं या उनकी मैंने यू नो आवाज़ रखी है अपने पास जो उन्होंने बोल के भेजा या जो भी है, वो हमेशा मैंने एक यू नो यादगार के तौर पे रखी है, सारी ज़िंदगी हमारे पास रहेगी, क्योंकि वो तो नहीं रही लेकिन उनकी आवाज़ है, हम सुनते रहते हैं तो उनको उस तरह से मिस नहीं करते हैं, बट हम जो पर्सनली हम हमेशा जाके बैठते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, इतने किस्से हैं कि सारी ज़िंदगी भी सुनाए शायद खत्म ना हो, इतना कुछ है। तो गाना सुनाती थी आप लोगों को जब आप जाते थे खाने में या कुछ अगर आप बता सके? नहीं डेफिनेटली एक गाना तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये नहीं पता होगा, उनको चुटकुले बड़े पसंद थे, तो कहीं ना कहीं हम जब बैठते थे जब बातें होती थी तो, और मैं बाद में हम लोग मैं भी उनको कुछ अच्छे चुटकुले आते तो मैं उनको भेजता था या वो भेजती थी संता बंता पे या किसी पे भी, मतलब कुछ ऐसे जोक्स जो उनको बड़ा फनी लगे तो बड़ा हंसती थी एंड बहुत हंसमुख थी, क्योंकि उनका जो नेचर था मैंने आज तक कभी उनको ऐसा देखा नहीं कि उदास बैठी हो या कुछ, हमेशा चुलबुली जैसे यू नो बच्चे होते हैं वैसे हंसना वैसे बात करना, वो एक रीज़न था कि इतनी यू नो जिंदा दिल थी वो, और हमारा बहुत एक कनेक्ट था। आपको बुलाया जाता था आपकी टीम को, क्या क्या लता जी बनाकर खिलाती थी, क्या क्या पकवान होते थे अगर आप नहीं नहीं वैसे तो मतलब आपको पता ही इतने सर्वेंट्स हैं घर पे, इतने लोग हैं बनाने वाले, तो वो डेफिनेटली बनाते थे या उनकी फरमाइश से बनते थे, लेकिन कई बार उन्होंने जैसे मटन बनाती थी बहुत अच्छा या चिकन बनाती थी बहुत अच्छा, तो ये सब चीज़ें मतलब हम जैसे गए कुछ नहीं है ये मेरी तरफ से बनाए, या उनको बहुत पसंद थे वो मिर्ची के पकौड़े तो वो कभी उन्होंने किया, तो ये सारी चीज़ें रही हैं और हमेशा याद आती रहेंगी पूरे जीवन। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप इतने सालों से हमें अपना प्यार देते आए हैं बिल्कुल देते रहिए, और हम भी आपकी कसौटी पे खड़े उतरेंगे, क्योंकि कहीं कहीं जो आपके फैंस होते हैं उनका कनेक्शन आपसे इतना होता है कि वो आप पे ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि जिस तरह के काम को वो पसंद कर रहे हैं उस तरह का काम आप हमेशा करते रहें, एंड वो मैं करता रहूँगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।